अकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम एनलार्ज जीसीडी नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ओके, सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसी है कि आपके पास एक एरे है, राइट? लेट्स डिनोट जीसीडी ऑफ दिस एरे एज जीसीडी 1। ओके, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब आप इस एरे से मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते हो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हो, सच दैट आफ्टर रिमूविंग दीज एलिमेंट्स the GCD of new array, let's denote it by GCD 2. GCD 2 should be greater than GCD 1. Okay, minimum numbers ko remove karo, minimum count of numbers, like value wise smaller nahi, count wise, minimum count of elements ko remove karo, okay? Such that GCD of new array is greater than the GCD of old one, okay? So, minimum kitne number ko remove karne se baat ban jayegi. ये हमें बताना है, ओके? और हमें काउंट ही बताना है, कौन कौन से बंदे रिमूव हो रहे हैं ये भी नहीं बताना, हमें काउंट बताना है कि आप कितने बंदों को आपने रिमूव करा, मिनिमम कितने बंदों को रिमूव करा, सच दैट न्यू जीसीडी ग्रेटर है, ओके? सिर्फ काउंट काउंट चाहिए हमें। सो देखो यार, सबसे पहले जीसीडी के बारे में, क्या जीसीडी बेसिकली होता क्या है? वो फैक्टर्स जो सभी में कॉमन है, राइट? जैसे जीसीडी अभी इनिशियल एरे के जीसीडी को अगर आप फिगर आउट करोगे, देन विद कॉमन फैक्टर्स, और अगर मल्टीपल कॉमन फैक्टर्स है, देन देयर मल्टीप्लिकेशन, राइट? जैसे यहाँ पे मुझे लगता है इनका जीसीडी 3 होने वाला है। क्यों? सभी का फैक्टर लिख कर देख लो, 2 × 3 9 is 3 × 3 15 is 3 × 5 I guess 30 is 3 × 5 × 2 × 3 × 5, ओके? सो जीसीडी इज नथिंग बट कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 3। सो जीसीडी इज 3 और इनिशियल जीसीडी इज 3, राइट? सो अब हमें पता करना है कि मिनिमम कितने बंदों को रिमूव करूं सच दैट न्यू जीसीडी 3 से ज्यादा हो जाए, राइट? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, जीसीडी अगर 3 है तो पहले 3 को इनसे हटा दो, 3 से डिवाइड कर दो सभी को। जीसीडी अगर 3 है तो 3 से जो कॉमन है उसे हटा दो। तो मैं कह रहा हूँ 6 को 2 लिखूंगा, इसे 3 लिखूंगा, इसे 5 लिखूंगा, 1 से 10। क्यों? मैंने इसे पता है क्यों हटा दिया? क्या अगर मुझे जीसीडी इंक्रीमेंट चाहिए जीसीडी में, तो 3 तो ऑलरेडी है ही सब में, 3 के बारे में आप सोच ही क्यों रहे हो? जो बंदे सभी में कॉमन नहीं है, सिर्फ उनके बारे में सोचो, ओके? तो जो 3 सब में कॉमन था उसे मैंने हटा दिया यहाँ से, अब 3 सब में कॉमन नहीं रह गया, और जो इनिशियल जीसीडी वो कॉमन नहीं रह गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या अगर मुझे जीसीडी इंक्रीमेंट चाहिए, ओके? सो अगर इंक्रीमेंट चाहिए तो अब हम पता है क्या करना चाहते हैं, कुछ सबसेट, लॉन्गेस्ट लेंथ सबसेट फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसके जीसीडी की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। सोचना जरा, 3 तो सब में कॉमन है ही, तो हम एक्चुअली इसमें से रिमूव करते हैं, बट हम फिगर आउट यहां से कर रहे हैं, तो 3 तो आएगा ही आएगा। अब लेट्स से मैंने ऐसे 3 बंदे ढूंढ लिए, लेट्स से एक एरे में, इस एरे में मैंने 3 ऐसे बंदे ढूंढ लिए जिसमें जिसमें एक और कॉमन फैक्टर है, लेट्स से वो 2 है, फॉर एग्जांपल 2 वो कॉमन फैक्टर है। तो अगर मैं नए एरे में इस एक बंदे को हटा दूं, तो 3 जो इनिशियल जीसीडी था, इनिशियल कॉमन फैक्टर वो तो है ही, और मैंने अभी 2 कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करा था इन 3 में, तो अब सिर्फ इन 3 की, जो बेसिकली इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, इन 3 की जीसीडी पक्के से 3 × 6 होगी। फिर से सभी में 3 कॉमन था और मैंने 6 को हटा दिया, देन इतने पार्ट में जो कॉमन फैक्टर है वो एक 2 है, 3 के अलावा, या फिर एक न्यू नंबर है, राइट? तो सिर्फ इतने के कॉमन फैक्टर को देखोगे तो 3 तो इसमें था ही, और एक 2 अभी मैंने फिगर आउट कराया, तो 6 जीसीडी निकल कर आ जाएगा, जो कि जीसीडी 1 से ग्रेटर है, राइट? तो हम यही करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि कॉमन वाले को हटाने के बाद, 3 को रिमूव करने के बाद, अब लॉन्गेस्ट लेंथ सबसेट निकाल दो इसमें जिसके जीसीडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और जिसका एक कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1 वाला बंदा हो, ग्रेटर देन 1 एक कॉमन फैक्टर हो, सच दैट जीसीडी 2 जीसीडी 1 से ग्रेटर आ जाए, ओके? ओके, सो अब हम ये कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, तो ये देखो, सीव को यूज करने वाले हैं, कैसे सीव को यूज करने वाले हैं? ऑफ कोर्स सारे सबसेट्स के जीसीडी को तो मैं नहीं निकालने जा रहा, सीव को हम कैसे यूज करेंगे, हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, क्या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर, जो सभी में प्रेजेंट हो, सबसे पहले क्या 4 लेंथ में, क्या पता कोई अभी भी प्रेजेंट हो, वैसे 4 में तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, मिनिमम एक रिमूवल तो चाहिए ही आपको, राइट? क्या पता 3 में, किसी 3 में प्रेजेंट हो, क्या पता किसी 2 में प्रेजेंट हो, क्या पता किसी 1 में प्रेजेंट हो, ऐसे कॉमन फैक्टर ढूंढने वाले, राइट? तो हमने क्या करने वाले हैं, क्या एरे के मैक्सिमम वैल्यू को इक्वल एरे बना लूंगा मैं, अभी यहाँ 10 है तो 11 लेंथ बना लूंगा,
सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, तो हम सीव यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स, फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स यूजिंग सीव। ओके, तो जस्ट इन केस आपने वो वीडियो नहीं देख रखी, तो नंबर थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसमें हमने ये सीख रखा है कि लॉग इन में कैसे फैक्टर्स निकाले जाए। जैसे एक नंबर के लॉग इन में फैक्टर्स, लॉग इन बोले तो लाइक वैल्यू, ये अगर नंबर लॉग ऑफ नम में कैसे निकाला जाए फैक्टर। ओके, इसके सारे फैक्टर्स लॉग ऑफ नम में निकाला जा सकता है विद सम प्री प्रोसेसिंग, राइट। तो हम बेसिकली n इनटू n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड लॉग ऑफ नम इज, नम इज बेसिकली इंडिविजुअल और इंडिविजुअल नंबर, सो n इनटू लॉग n में हम लॉग ऑफ नम में निकालना चाहते हैं फैक्टर्स, हम निकाल सकते हैं और वो विद इन कंस्ट्रेंट है, पास हो जाएंगे चीजें। ओके, सो कैसे करते हैं उसे, हम सभी पे, सभी नंबर पे उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर को स्टोर कर देते हैं। इनिशियली मैं सभी पे i को डाल दूंगा, देन 10 के रूट तक लूप लगाने वाला हूँ, 3 तक लगाने वाला हूँ, और क्या चेक करूंगा, 2 से 1 से नहीं, 2 से 3 तक। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 के सभी मल्टीपल पे 2 डाल दो, देन 3 प्राइम नंबर है, हाँ जी 3 पे 3 है, तो 3 के सभी मल्टीपल पे, 3 के सभी मल्टीपल पे जहां बंदे ऑलरेडी प्लेस्ड नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो नहीं 9 से, 9 की जगह मैंने 3 डाल दिया। तो अब रूट तक लूप लगाने के बाद आपके पास सभी नंबर पे उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आ जाते हैं, ये प्री प्रोसेसिंग। अगेन मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, क्यों, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आपने नंबर थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये देख लिया है कि कैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम करते हैं, प्राइम फैक्टर इन लॉगिन कैसे निकालते हैं। ओके, सो ये एरे बन जाता है। अब देखना, अब सभी के प्राइम फैक्टर्स, अब मैं क्या करूंगा, एक और एरे बनाऊंगा एग्जैक्टली इसी लेंथ के, जिसमें मैं प्राइम फैक्टर्स काउंट कर रहा हूँ, क्या एक प्राइम फैक्टर कितने बंदों में कॉमन है एग्जैक्टली इसी लेंथ की, क्योंकि ऑफकोर्स नंबर यहां तक है, तो प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स रेंज में ही होने वाले, राइट। सो मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो 2 को मैंने पिक करा, राइट, तो 2 के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो मैंने 2 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले, सबसे पहले यहाँ पे 2 को देखा और वहां पे प्लस प्लस कर दिया मैंने, फिर इस 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 पे आ गया, 1 पे आने के बाद अब और कोई फैक्टर नहीं है। फिर 3 पे मैंने देखा, एंड 3 पे देखा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इज 3, तो 3 की जगह प्लस 1 कर दिया और इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया। देन 5 पे देखा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर इज 5, 5 इज 1 आ गया। 10 पे देखा, 10 पे 2, तो मैंने 2 से डिवाइड करा, प्लस 1 करा 2 की जगह, और 10 5 में कन्वर्ट हो गया, 10 अपॉन 2 इज 5। फिर मैं 5 पे देखूंगा, मैंने कहा 5 पे 5 है, तो प्लस 1 करा और 5 अपॉन 5 1 आ गया। ओके, सो अब सभी नंबर पे ट्रैवल कर लिया, इसमें मैक्सिमम कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है। आइदर आप 2 को देख लो जो इन दोनों में कॉमन है, और 5 को देख लो इन दोनों में कॉमन है, बट काउंट 2 है, मैक्सिमम कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, राइट। तो पता है टोटल 4 नंबर से, उनमें से मुझे 2 हटाने होंगे, सच दैट रिमेनिंग 2 के पास एक न्यू कॉमन फैक्टर हो। अगर न्यू कॉमन फैक्टर होगा, देन जीसीडी 2 जीसीडी 1 से अपने आप ही ग्रेटर निकल कर आ जाएगा। ओके, सो ये जो काउंट आपके पास मैक्सिमम आ रखा है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स जो काउंटिंग करी आपने, उनमें जो मैक्सिमम है उसे आप एरे डॉट लेंथ से माइनस कर दोगे सिंपली। तो 4 माइनस 2, यहाँ 2 आंसर है आपका, क्या 2 बंदों को आपको रिमूव करने होंगे। कौन से 2 बंदे, आइदर आप 3-5 को कर दो और 2-3 को कर दो, 2 ऑप्शन है, बट काउंट के टर्म में दोनों सेम है। ओके, 2 बंदों को रिमूव करने की जरूरत होगी, राइट। तो ये करने वाले हम सिंपली। अच्छा, इसमें एक एज केस है, एज केस क्या है, क्या जैसे मैंने आपको दे दिया सिंपली 9999, अब आप इसका जीसीडी निकालोगे और 9 ही आएगा ऑफकोर्स। अब जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो सभी बना जाएगा यार, अब जब सभी बना गया, राइट, तो अब आप जीसीडी 2 कभी भी ग्रेटर नहीं कर सकते जीसीडी 1 से, क्यों यार, सभी 1 है, इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जीसीडी 1 से ग्रेटर कैसे लेकर आ सकते हो, राइट। तो इस एक केस को हैंडल करने के बहुत अच्छी, राइट। सो ये करना है, बस से कोड करते हैं जल्दी से। सो सबसे पहले कूल, सो इसमें पहले तो टेस्ट केसेस नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट केस है, आई गेस, लेट्स सी।
ओके सो लेंथ एंड एरे एलिमेंट्स, इलेमेंट्स इनपुट देन एरे इनपुट रीड एरे आई, रीड एरे आई राइट, रीड एरे आई राइट। ओके सो अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं प्री प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, तो सारे फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ। तो लेट्स से फैक्टर्स न्यूट, कहाँ तक जाऊँगा मैं, कितने साइज का मैं बनाने वाला हूँ। तो 15000 10 1.5 × 10^7 दे रखा था आई गेस। सो एरे एलिमेंट अगर 10^1.5 × 10^7 पॉसिबल है, सो 1.5 × 10^7 अगर पॉसिबल है तो आई थिंक 1560, सो 8 digits, 6 zeros इसका प्लस 1। ओके सो इस रेंज में फैक्टर बनाने वाला हूँ। फैक्टर्स इन स्मॉलेस्ट फैक्टर भी नंबर पे, क्या यहाँ तक नंबर्स हो सकते हैं, उनके स्मॉलेस्ट फैक्टर्स स्टोर कर दो। सो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, 2i × i स्मॉलर देन इक्वल टू फैक्टर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, देन अगर फैक्टर ऑफ आई पे, अभी तो फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप में तो आई रखते हैं हम। अगेन ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्री प्रोसेसिंग कर रहा हूँ किसकी, सभी नंबर पे इनिशियल स्मॉलेस्ट फैक्टर रखने की। अगेन एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है, खैर आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हो उसकी राइट। अब इसे लूप लगा दो, आई इक्वल टू टू, और इनफैक्ट यहाँ आई इक्वल टू 1 से कर दो, यहाँ आई इक्वल टू 2 से होगा, आई इंटू आई स्मॉलर देन इक्वल टू फैक्टर डॉट लेंथ, √n तक लूप लगा दिया मैंने, आई प्लस प्लस एंड क्या रखा मैंने, अगर फैक्टर ऑफ आई पे आई है, फैक्टर ऑफ आई इक्वल टू फैक्टर ऑफ इफ इक्वल टू आई, देन यहाँ पे आपको इस टेबल पे ट्रैवल करने की जरूरत है। तो आई इंटू आई से स्टार्ट करा हमने, कहाँ तक मैं लेकर जाऊंगा, स्मॉलर देन फैक्टर डॉट लेंथ तक आई गेस, एंड जे प्लस इक्वल टू आई करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर फैक्टर ऑफ आई पे और नॉट फैक्टर ऑफ आई, जे ट्रैवल कर रहा है, तो फैक्टर ऑफ जे पे अगर जे के इक्वल है, देन फैक्टर ऑफ जे को चेंज कर दो और आई के इक्वल, तो इसे सभी नंबर पे उसके स्मॉलेस्ट फैक्टर निकल कर स्टोर हो चुके होंगे राइट। अब हमारे पास सभी के स्मॉलेस्ट फैक्टर आ चुके हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब सभी के जीसीडी को निकालना होगा, हमें सभी के जीसीडी को निकालना होगा, कॉमन जीसीडी, क्या जो कंप्लीट एरे का जीसीडी है पहले उसे रिमूव करो राइट। तो जी से लेट से मैं करता हूँ इंट जीसीडी कॉल, जीसीडी में एरे ऑफ 0 एंड एरे ऑफ 1 पहले कॉल कर दो, दो लेंथ ऑलरेडी दे रखा है तो एज केस हैंडल करने की जरूरत है नहीं। फिर आई इक्वल टू 2 से लगाओ, आई स्मॉलर देन एन तक जाना है आपको, एंड आई प्लस प्लस, और आपको जी इक्वल टू जीसीडी ऑफ जी कॉमा एरे ऑफ आई राइट। एंड यहाँ पे आप ओके सो जीसीडी हमने निकाल लिया, जीसीडी हमने निकाल लिया जी और एरे ऑफ आई कंप्लीट एरे का, बिल्कुल सही। अब सभी नंबर से इसे रिमूव कर दो, सो आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस, क्या करना है, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई अपॉन जीसीडी, ये निकाल दिया हमने, जीसीडी हमने निकाल लिया। यहाँ एक चेक भी लगा लो, क्या एक फ्लैग रख लो, बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 1 है तो एक बार फ्लैग को मैं ट्रू कर दूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि आंसर एग्जिस्ट करता है, सारे 1 ना हो, ओके मतलब सभी सेम नंबर ना हो बेसिकली। ऑलराइट ऑलराइट, वो यहाँ से निकला तो चेक कर लो बेसिकली, क्या यार फ्लैग अगर इक्वल इक्वल टू फॉल्स ही रह गया तो बात तो यही खत्म हो गई, क्या -1 -1 दे रखा है रिटर्न करने को, प्रिंट करो एंड रिटर्न कर जाओ भाई बस। अगर फ्लैग फॉल्स नहीं है, फ्लैग ट्रू है, तो आपका आंसर एग्जिस्ट करता है राइट। तो ये लो मैंने रख लिया आंसर, आंसर रख लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब सभी नंबर के हम कॉमन फैक्टर्स को निकालना चाहते हैं, बिल्कुल सही। तो फैक्टर का एक गिवन नंबर के उसे करना, काउंटिंग करने की जरूरत है। तो लेट्स से एक सी नाम का मैं एक एरे बना लेता हूँ, इसकी लेंथ क्या होगी, वही जितने नंबर्स पॉसिबल है, सो 1.5 × 10^7 तक नंबर्स पॉसिबल है, तो उसका +1 यहाँ तक बना लिया मैंने। अब सभी नंबर पे ट्रैवल करना स्टार्ट करूंगा, आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस, इंट नम इक्वल टू एरे ऑफ आई,
पिक कर लिया। अब इस नंबर के हमें फैक्टर्स चाहिए, इस नंबर के हमें फैक्टर्स चाहिए, तो वाइल नम इज ग्रेटर देन वन मैं लूप लगाता रहूंगा, क्या लगाता रहूंगा, मैं निकालूंगा इसका सबसे पहला प्राइम नंबर। सबसे पहला प्राइम नंबर पता है कौन सा होगा, पी यूज तो नहीं कर रखा मैंने, नहीं यूज कर रखा, राइट। सो सबसे पहला प्राइम फैक्टर मैं निकालना चाहता हूँ। प्राइम फैक्टर कैसे निकल कर आएगा भाई, फैक्टर ऑफ नम से, भाई स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, प्री प्रोसेसिंग कर तो रखा है ये मैंने फैक्टर में, तो फैक्टर ऑफ नम से निकल कर आ गया। तो अब आप क्या करोगे, काउंट ऑफ P, जो अभी अभी आपका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है उसकी काउंटिंग प्लस प्लस कर दोगे, फिर नम में पता है क्या करोगे, नम इक्वल टू नम अपॉन पी कर दो एक बार, ओके। और मे बी पी मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो रहा होगा, तो इसे और भी कर देते हैं यार। सो वाइल नम मॉड पी इक्वल टू जीरो, एक बार जैसे एक नंबर के पास मल्टीपल, टू के मल्टीपल, जैसे 16 देख लो, 16 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 into 2 into 2 into 2 आ रखा होगा, 2 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तो अगर एक नंबर मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो हमने एक बार 2 की काउंटिंग कर ली, हम फैक्टर का काउंट ही चाहते हैं जीसीडी में, जैसे जीसीडी जब आप निकाल रहे होते हो तो 16 को आपने 2 into 2 into 2 into 2 लिखा एंड 8 को आपने 2 into 2 into 2 लिखा, GCD is 2, right? अगर factors की multiple occurrences है, then it does not matter, right? हम सिर्फ एक-एक occurrence लेते हैं, multiple occurrences LCM में matter करता है। So, अगर एक बार हमने P को count कर लिया, then मैं उसे divide करते हैं ना, so num equal to num upon P, जब तक divide हो सकता है, okay? In fact, इसे भी मैं इसमें include कर सकता था, ठीक है, right? And यहाँ पे जो मैंने आंसर ले रखा है उसके मैक्सिमम क्या, कौन सा फैक्टर मैक्सिमम डिफरेंट नंबर्स में अकर हो रहा, राइट, वो अगर हमें चाहिए तो आंसर के साथ मैक्स ले लो जिसे आपने अभी अभी प्लस करा है, इन दोनों में जो मैक्सिमम है, जब आप सही बंदों के साथ सभी बंदों के कॉमन फैक्टर्स निकाल लोगे, फिर आपको निकलने के बाद एंड कर देना है, किसे जितने मैक्सिमम है वो स्टे करेंगे, राइट। तो एन माइनस आंसर को, राइट, आई गेस इतना सफिशिएंट है। सो लेट्स सी, एक टेस्ट केस के लिए रन करते हैं, इसके लिए रन करते हैं। सो इनपुट GCD cannot find a symbol G, that's G. G. All right, two answers, press right, let's submit it. फिर ओके।